नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस बार लोकसभा के चुनाव से पहले जो भाजपा के तमाम नारे और वादे और दावे थे, अब की बार 400 पार, धराशाही हो गए। उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या राम के मंदिर पे और राम के नाम पे जहां से वोट मांगे जा रहे थे, अयोध्या में सीट निकालना मुश्किल हो जाए। किसको पता था कि जनता धीरे धीरे जाग रही है। जो ये जहर समाज के अंदर फैल रहा था, मंदिर, मस्जिद, भैंस, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र नकार दिया जनता ने। इस तरह से चुनाव पलटेंगे ये किसे पता था। बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत पड़ जाएगी, किसे पता था। लेकिन अब सरकार तो एनडीए की बन गई, लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत तक प्राप्त नहीं हो पाया। वादे दावे ये कर रहे जा रहे थे कि 400 सीटें पार, जबरदस्त बहुमत मिलेगा, लेकिन अंदर की बात यह है कि भाजपा में ही शायद फूट पड़ गई। तमाम सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आपस में ही खटास है, जिस कारण परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मदद लेकर सरकार बनाई जा रही है। लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे आप जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू मोदी को आतंकवादी कह रहे थे। गुजरात दंगों के बाद उन पे आतंकवाद का इल्जाम लगा रहे थे। वहीं अगर मोदी जी की बात की जाए, चंद्रबाबू नायडू को ये कह रहे थे कि इन्होंने अपने ससुर की पीठ पे छुरा घोंप दिया। इस तरह की बयानबाजी कि आदमी सोच नहीं सकता, लेकिन कुर्सी की लालच, सत्ता की लालच, तमाम चीजें भूल जाते हैं। सिर्फ लालसा होती है कुर्सी पे बैठने की। जनता का कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम बातें कही गई, लेकिन आज वही चंद्रबाबू नायडू और वही मोदी एक साथ समर्थन देते हुए एक दूसरे को सरकार बना रहे हैं। नीतीश कुमार जो कभी INDI के गठबंधन में तो कभी बीजेपी में, कभी गठबंधन में तो कभी बीजेपी में, लास्ट में जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो भी बड़ा कुर्सी से प्यार करते हैं, सत्ता में आने के लिए 3 मंत्रालय मांग लिए, 12 MPs का सपोर्ट दे रहे हैं, तमाम बार उन्होंने बयानों में कहा कि भाजपा में शामिल नहीं होंगे, भाजपा ये करती है, भाजपा वो करती है, तमाम निंदा करी। लेकिन आज कुर्सी की लालच में, सत्ता में काबिज होने के लिए भाजपा का हाथ पकड़ा, एनडीए गठबंधन बना, अब सरकार फॉर्म होगी। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष काफी मजबूत है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि अब जो भी गलत नीतियां पहले सरकार बना रही थी, अब उसका पुरजोर तरह से विरोध होगा, उन नीतियों को नहीं बनाने दिया जाएगा। जो देश के अंदर धर्म के नाम पे उत्पात हो रहा था, वो अब नहीं करने दिया जाएगा। जनता की सुविधाओं पे बात होगी, रोजगार नौकरी पे बात होगी, गरीबी पे बात होगी, तमाम सुविधाएं, सुरक्षा पे बात होगी, एजुकेशन पे बात होगी, हेल्थ सिस्टम पे बात होगी। लेकिन अब धर्म के ऊपर जबरदस्त तरह से जो जहर बोया जा रहा था, धीरे धीरे जहर कट रहा है और जहर एक दिन खत्म भी होगा, ऐसा तमाम विपक्ष का ये कहना है। जो ये सरकार का गठन हो रहा है, विपक्ष उस पर ये भी दम भर रहा है कि ये सरकार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। ये जो सरकार का गठन हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर साझा करें कमेंट के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। एंटी करप्शन या न्यूज़ को आप फेसबुक पे भी लाइक फॉलो कर सकते हैं। हम ट्विटर और इंस्टा पे भी आपको मिल जाएंगे। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार।